नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीजें और फैक्ट्स क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी कैटेट थर्ड काउंसलिंग के बारे में। आप सबको पता ही होगा कि यूपी कैटेट का जो थर्ड काउंसलिंग था वो काफी दिनों पहले स्टार्ट हो चुका था, और आपको अब वहां पर यानी CSE कानपुर में आपको विजिट करना होगा पूरे काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए। और इस वीडियो में लोग वही बात करेंगे कि आप जब जाएंगे काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तो आपको अपने साथ क्या लेके जाना है। क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो बिना इन्फॉर्मेशन के ही, बिना कुछ ले लिए ही वहाँ पर पहुँच गए हैं, और उनको वहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम का सा फेस करना पड़ रहा है। यूपी कैटेट में जब आप काउंसलिंग की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वहाँ पहुँचेंगे तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। वो डॉक्यूमेंट क्या होगा वही हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यूपी कैडेट की वेबसाइट पे चले जा रहे हैं। यूपी कैडेट के वेबसाइट पे आपको कोई भी न्यूज़ नहीं मिलेगा कि आपको क्या क्या लेके जाना है। यूपी कैडेट के वेबसाइट पे जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। देखिए ये ओपन भी नहीं हो रहा अच्छे से। वैसे यूपी कैडेट की वेबसाइट पर जाने का कोई मेन लक्ष्य नहीं है। हम बात करते हैं कि आपको क्या क्या लेके जाना है। सबसे पहले तो आपको 5,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना होगा। आप SBI के बैंक, याद रखिए और कोई बैंक से डिमांड ड्राफ्ट नहीं चलेगा, SBI के बैंक से ही आप 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट ले जाइए। और 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट केवल फ्री सीट वाले बच्चे ही ले जाएंगे। जिनको पेड सीट मिलेगा वो साथ में 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट भी ले जाएंगे। आप सभी को पता ही होगा कि पेड सीट वालों को 50,000 रुपये साल का एक्स्ट्रा पे करना है। तो वही डिमांड ड्राफ्ट से आप स्टेट बैंक से डिमांड ड्राफ्ट 50,000 का बनवाइए और वो वहाँ पर ले जाइए। अगर आप सोच रहे हैं कि कानपुर जाके आप डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। आप याद रखिए, अगर आप पेड सीट वाले हैं तो 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट ले जाइए, और फ्री वाले हैं तो 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट ले जाइए। साथ ही में और आपको क्या लेके जाना पड़ेगा, और आपको अलॉटमेंट लेटर लेके जाना पड़ेगा। बिना अलॉटमेंट लेटर को आप काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते हैं। तो ये दो डॉक्यूमेंट हो गए, आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट लेकर ही जाना है। और जिनको पेड शीट मिला है वो 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट तो लेके जाएंगे, साथ ही में 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे हलफनामा भी बनवा कर ले जाएंगे। वो स्टैम्प पेपर कहाँ मिलेगा, वकील के पास मिलेगा। वकील से आप हलफनामा बनवाइए कि आप 50,000 रुपया पेड सीट के लिए भरने के इच्छुक हैं। ये हलफनामा बनवाएंगे आप तभी वो जो डिमांड ड्राफ्ट आप बनवाएंगे 50,000 का वो काम करेगा, वरना वो काम नहीं करेगा। तो ये तीन चीज़ आप याद रखिए। अगर फ्री सीट वाले हैं तो केवल 5,000 का डिमांड ड्राफ्ट, और पेड सीट वाले हैं तो 50,000 का डिमांड ड्राफ्ट, और साथ ही हलफनामा जो 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे बनेगा वकील द्वारा। और अपना अलॉटमेंट लेटर ले जाना ना भूलिए, चाहे वो फ्री हो या फिर पेड। तो ये वीडियो यही इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपको था। अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और ऐसे ही काफ़ी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।